अनुवांशिक बहाव मतलब कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और प्राकृतिक चयन दोनों ही उत्क्रांति की प्रक्रिया यानी इवोल्यूशनरी प्रोसेस को प्रभावित करती है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में काफी बड़ा अंतर होता है। जैसे कि हमने देखा था, दोनों ही घटनाओं में हरा बीटल या नीला बीटल एक दुर्लभ विविधता आबादी की एक सामान्य विशेषता बन गई। तो इनहेरिट या पाई गई विशेषता किसी अप्रत्याशित विकास या फिर कोई बदलाव की वजह से जीने के कोई बेहतर विकल्प के चलते बदल सकती है। आपको वापस ध्यान दिलाने के लिए, हरी बीटल वो घटना थी जब लाल बीटल में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय हरी बीटल जैसा एक नया बदलाव आया था। और क्योंकि हरी बीटल आसानी से झाड़ियों में छुप सकती थी, उनके जीवित रहने की संभावना लाल बीटल से ज्यादा थी, जो आसानी से कीटों और चिड़ियों की नजर में आ जाने की वजह से उनके शिकार बन जाते थे। इस वजह से हरे बीटल जिंदा रह जाते थे और यह नया रंग नई पीढ़ी में भी पहुंचा देते थे, और आगे आने वाली पीढ़ियों में हरा रंग ज्यादा हो जाता है। वहीं नीली बीटल्स की घटना में लाल बीटल्स के लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय नीली बीटल्स का एक नया बदलाव आया। नीले रंग ने बीटल्स को जिंदा रहने में कोई लाभ नहीं पहुंचाया, लेकिन कोई अप्रत्याशित घटना जिसमें हाथियों का झुंड गलती से सारी लाल बीटल्स को कुचल दें, ये बीटल की एक नई आबादी को जन्म देगी जो नीली होगी। जब पाई गई विशेषताएं दिख रहे बदलाव जो जीवन के लिए ज्यादा लाभदायक हैं के चलते बदल जाएं, तो इसे प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जैसे कि हरी बीटल्स की घटना में हुआ। और जब पाई गई विशेषता किसी अप्रत्याशित विकास के कारण बदल जाए तो उसे आनुवांशिक बहाव या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, जैसे कि नीले बीटल्स की घटना में हुआ। हम कह सकते हैं प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण के हिसाब से जो सबसे अनुकूल विशेषता होगी वह पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा सामान्य होती जाएगी। यह कोई बिना सोचे समझे की गई प्रक्रिया नहीं है। हम यह कह सकते हैं यह ऐसी उत्क्रांति है जिसमें सबसे लाभदायक विशेषताएं या जीन्स जैसे कि बीटल का हरा रंग, इनमें सफल होने की संभावनाएं ज्यादा है और समय के साथ ये सर्वाधिक हो जाएंगी। मतलब कि प्राकृतिक चयन एक अनुकूल प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर आनुवांशिक बहाव या कहें जेनेटिक ड्रिफ्ट एक बिना सोची समझी की गई प्रक्रिया है। यह जीन्स में कोई बेतरतीब बदलाव होता है। आनुवांशिक बहाव कोई अनुकूल प्रक्रिया नहीं है, मतलब कि ये प्रजातियों को वातावरण के अनुकूल बनाने में कोई सहयोग नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक बहाव मौके से हुआ विकास या इवोल्यूशन चांस है। इसमें पीढ़ियों में विशेषताओं की आवृत्ति केवल किसी मौके की वजह से बदलती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कोई सफल जीन या विशेषता का मतलब ये नहीं होता कि वह उस वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।